पतंजलि का लाखों करोड़ का ये जो पूरा साम्राज्य है, लोगों की बुरी नजर है कि ये इतना बड़ा अनुष्ठान कैसे खड़ा हो गया और इसका मालिक कौन है। ये पूरा आपने रामायण देख रहे थे अभी, इसके बाद मैं आपको योगग्राम ले चलता हूं। ये योगग्राम ने रामायण, पतंजलि योगपीठ, फिर पतंजलि वेलनेस, पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, विश्वविद्यालय से लेकर के सैकड़ों तो ऐसे हमारे सेवा के संस्थान है। और इन सेवा के कार्यों के साथ साथ बहुत दूर तक हम इस अभियान को लेकर के गए। और आज हालात ये है कि पूरे देश में 100 से बड़ी संस्थाएं हमने खड़ी कर दी। और इसी के साथ साथ सैकड़ों केंद्र हमने खड़े कर दिए, जिसमें योग को, आयुर्वेद को हमने बहुत ऊंचाई प्रदान की है। और इस ऊंचाई में यदि इसका कुल मूल्यांकन करें तो ये 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो कैपिटल मार्केट वाले इसका मूल्यांकन कर रहे हैं। ये यज्ञशाला है, क्योंकि पतंजलि के हर इंस्टीट्यूट के अंदर हमने योग के साथ यजन को, सनातन धर्म के सारे तत्वों को हमने साथ जोड़ के रखा हुआ है। गौशाला भी है, यज्ञशाला भी है, धर्मशाला भी है, गुरुकुल है, विश्वविद्यालय है। मेरे कहा 100 से बड़े तो संस्थान और 1 लाख से ज्यादा स्थानों पर हमारे योग शिक्षक भाई बहन निस्वार्थ भाव से योग की सेवा के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसमें कम से कम मैं कह रहा हूं 10 लाख से ज्यादा भाई बहनों को तो यहां ट्रेनिंग दी हमने, और 20-25 लाख लोगों को जिला स्तर पर पतंजलि योग समिति, महिला पतंजलि योग समिति, भारत स्वाभिमान के कार्यकर्ताओं ने ट्रेनिंग दी। और आज हमारे साथ कम से कम 25 लाख से ज्यादा वरिष्ठ योग शिक्षक कार्यकर्ता निष्काम निस्वार्थ भाव से सेवा दे रहे हैं। आंवला भी कितना सुंदर लगा हुआ आप मेरे दाएं तरफ देख रहे हैं। ऐसे हमने प्रकृति और संस्कृति के इस अनुष्ठान को, शिक्षा की गुलामी, ये चिकित्सा की गुलामी, आर्थिक वैचारिक गुलामी, इससे देश को मुक्ति दिलाने के लिए हमने पुरुषार्थ किया है। और इसमें आज मैंने कहा ये जो लाखों करोड़ का साम्राज्य है ये ऐसा ही खड़ा नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत पुरुषार्थ लगा है। और लोगों की दृष्टि है कि इसका अल्टीमेट बेनिफिशरी क्या है, तो हमारा सिद्धांत है प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी। पतंजलि का 100% प्रॉफिट वो समाज की सेवा के लिए है, समाज की भलाई के लिए है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए है। तो स्वामी रामदेव इसका मालिक नहीं है, आचार्य भाष्य इसका मालिक नहीं है, इसका मालिक है पूरा देश और देश के लोग। आज हमने हेल्थ, एजुकेशन, पुअर रिलीफ, नेचर एंड एनवायरनमेंट, रिसर्च के जो चैरिटी के बड़े 5 काम है, इसमें यदि कुल मूल्यांकन किया जाए तो हमने कहा लाखों करोड़ रुपए हमने खर्च किया है। और एक ही ध्येय है कि ये यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। 200 करोड़ रुपए तो इसकी रनिंग कॉस्ट है, जिस मूल्य पर हम यहाँ पर लोगों को एक थोड़ा सा हेल्थ किट प्रोविजन लेकर के हम यहाँ लोगों को उपचार दे रहे हैं। आप यहाँ देख रहे हैं चारों ओर आज कोहरा है, यद्यपि तो पूरा विजुअल आपको क्लियर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन एक बात क्लियर है कि 200 करोड़ रुपए साल में खर्च करके, एक एक महीने में खर्च करके, साल भर में करीब 2500 करोड़ रुपए खर्च करके हमने पूरी दुनिया के 200 करोड़ से ज्यादा लोगों तक इस योग को पहुंचाया है। 500 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया के इस योग को फॉलो कर रहे हैं। और हमारा लक्ष्य एक ही है कि ये योग की यात्रा ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और ये प्रॉस्पेरिटी फॉर चैरिटी, अर्थ से परमार्थ की हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, उससे अर्थ को हम परमार्थ में लगा रहे हैं, अर्जित अर्थ को। और आपसे भी एक आह्वान कर रहे हैं कि आप भी इस अभियान में हमारा साथ दीजिए।
आप हम सब मिलकर के इस अभियान को बहुत दूर तक लेकर के जाएंगे। अभी 40-50 लाख लोग तो मेरे साथ सुबह इस पर फेसबुक लाइव पर ही जुड़ जाते हैं। मेरा लक्ष्य 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग से जोड़ना, रोग मुक्त भारत, रोग मुक्त विश्व और सनातन युक्त विश्व, ये सपना साकार होगा और यही है सनातन धर्म के विजय की पूरी यात्रा। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.